हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 का प्रोजेक्ट कार 14 आज हम करेंगे। बच्चों, प्रोजेक्ट कार 1 से लेकर प्रोजेक्ट कार 13 तक की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज आप वहां से प्रोजेक्ट कार 1 से प्रोजेक्ट कार 13 तक की वीडियो को देख सकते हो। बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य 14 करते हैं। तो बच्चों, यहाँ लिखा है आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए कम से कम 5 वस्तुओं के। तो बच्चों, हमारे घर में जो भी समतल चीज है उनकी बारे में हमें यहाँ जानकारी लिखना है। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ दिया है क्रमांक में, पहले दिया है मेज और दूसरे नंबर पर दिया है पुस्तक, तीसरे नंबर पर दिया है मोबाइल और चौथे नंबर पर दिया है माचिस, पांचवें नंबर पर दिया है दरवाजा। तो बच्चों, इनकी लंबाई और चौड़ाई हमें मापकर यहाँ लिखना है। जैसे कि बच्चों, मेज की लंबाई हमने मानी है 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई मानी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और पुस्तक की लंबाई हमने मानी है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई मानी है 20 सेंटीमीटर। और मोबाइल की लंबाई मानी है हमने बच्चों 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। माचिस की डिब्बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। और दरवाजे की लंबाई 170 सेंटीमीटर और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये तो हमने लंबाई लिख ली है, ये चौड़ाई लिख ली है और ये क्षेत्रफल लिखा है इनका। तो बच्चों, मेज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मेज का क्षेत्रफल हम इन दोनों का गुणा कर निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इनका क्षेत्रफल हमें इनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो बच्चों, इनका क्षेत्रफल हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि बच्चों मेज की लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम जैसे लंबाई लिख दिया 90 सेंटीमीटर और मेज की चौड़ाई लिख दी 40 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? गुणा। तो गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 0, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर 4 का गुणा इससे करेंगे, 0 का गुणा इससे किया 0 आएगा, 0 का गुणा इससे किया 0 आएगा, फिर हम 4 का गुणा करेंगे 0 से 0 आएगा, फिर 4 का गुणा करेंगे 9 से, कितना आएगा? 9 6 36, या 4 9 36, दोनों तरफ से एक ही आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या कितना आएगा? 0 0 6 3, ये कितना आ गया? 3600, यानी 3600 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसी प्रकार मेज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 3600 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों, हम पुस्तक का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 25 का 20 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 500 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों, मोबाइल का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। 15 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 90। इसी प्रकार बच्चों, माचिस की डिब्बी का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 15, ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों, दरवाजे का भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। 170 सेंटीमीटर का गुणा इसमें कर देंगे कितना आएगा? 13600, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों, ये क्षेत्रफल आ गए। तो इसी प्रकार ये 6 नंबर पर हमने खिड़की लिखा है। तो ये खिड़की की लंबाई है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 4800। बच्चों, 7वें नंबर पर अलमारी लिखी है। अलमारी की लंबाई 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों? 16000, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों, हमने कॉपी की लंबाई लिखी है यहाँ 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई लिखी है 15 सेंटीमीटर। इन दोनों को गुणा कर देंगे कितना आएगा? 300।
यहाँ डस्टर लिखा है, डस्टर की लंबाई मानी हमने 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों को गुणा कर देंगे कितना आएगा 75। इसी प्रकार बच्चों हमने 10वें नंबर पर नोट लिखा है, नोट की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर मानी और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, अब इन दोनों को गुणा कर देंगे कितना आएगा 105। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सारणी हमारी कंप्लीट हो गई, आप यहाँ से देख सकते हो। तो बच्चों ये इस प्रकार सारणी आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों इसका अगला प्रश्न है, उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, जैसे कि किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो जैसे कि हम उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम देखकर इसका उत्तर भी लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कि हमें किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा दिख रहा है, जैसे कि ये 16,000 है, तो 16,000 किसका है, अलमारी का, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं अलमारी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, कितना है 16,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 16,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसका अगला प्रश्न करते हैं। तो बच्चों इसका दूसरा प्रश्न है, दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखें। तो बच्चों हम पीछे से देख सकते हैं कि किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो सबसे कम क्षेत्रफल किस वस्तु का है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर किसका है क्षेत्रफल, माचिस की डिब्बी का। तो बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं माचिस का क्षेत्रफल सबसे कम है, माचिस का क्षेत्रफल कितना है 15 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, इसका अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। इसका अगला प्रश्न है बच्चों, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो बच्चों हम पीछे से देख सकते हैं बच्चों के दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है और पुस्तक का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ हमें बताना है दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो यहाँ लिख दिया है हमने बच्चों, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 13,100 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो बच्चों यहाँ हमने कैसे निकाला, 13,600 सेंटीमीटर दरवाजे का क्षेत्रफल था और पुस्तक का क्षेत्रफल था 500 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने इसको क्या कर दिया, इसमें से घटा दिया, तो कितना उत्तर आ गया, 13,100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये इसका उत्तर हो गया। इसका अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। इसका चौथा प्रश्न है बच्चों, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो बच्चों सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना है 16,000 और सबसे कम क्षेत्रफल कितना है 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, 16,000 में से 15 सेंटीमीटर को घटा देंगे, कितना आएगा 15,985 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो गया। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है बच्चों, 15,985 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार बच्चों इसका पांचवा प्रश्न है, सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों इसके इस वाले प्रश्न में हमें क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सबसे छोटा क्षेत्रफल, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल को हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे कम क्षेत्रफल कितना है 15 सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा क्षेत्रफल कितना है 75 सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा क्षेत्रफल कितना है 90 सेंटीमीटर, फिर उससे ज़्यादा क्षेत्रफल कितना है 105, और इसी प्रकार बच्चों 300, फिर 500, फिर 3600, फिर 4800, और फिर 13,600, और फिर 16,000 जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो बच्चों ये सभी क्षेत्रफलों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। तो बच्चों इसका ये पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट कार 14 कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वह भी ये प्रोजेक्ट कार आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।